हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त धनंजय कुमार पांडे। हमारे YouTube न्यूज़ चैनल हुगली हॉट पे आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की खबरें। भाजपा के श्रीरामपुर सांगठनिक जिले के पूर्व अध्यक्ष सुमन घोष को भारतीय जनता पार्टी ने अगले 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाजपा के श्रीरामपुर सांगठनिक जिले के वर्तमान अध्यक्ष श्यामल बोस ने यह जानकारी दी। श्यामल बोस ने बताया कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण ही सुमन घोष को पार्टी से निलंबित किया गया है। साथ ही श्यामल बोस ने यह भी चेतावनी दी कि सुमन घोष के साथ रहने वाले लोगों को भी पार्टी से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। हालांकि सुमन घोष का कहना है कि पार्टी के संविधान की अवहेलना करते हुए उन्हें पार्टी से निकाला गया है। इस मामले में वे मानहानि का मुकदमा भी करेंगे। हमारे प्राक्तन सभापति सुमन घोष दीर्घदिन धरे से पार्टी साथे युक्त नामे पैरालल प्रोग्राम प्रोग्राम করছিল আমরা সুপারে করেছিল সুপারে উত্তর দিয়েছিল কিন্তু সেটা স্যাটিসফ্যাক্টরি ছিল তাই তারপরেও আমরা অপেক্ষা করেছিলাম কিন্তু দেখলাম আবার পর পর পার্টির বাইরে থেকে পার্টিকে না মণ্ডলকে জানিয়ে না জেলাকে জানিয়ে নিজের ব্যক্তিগত উদ্যোগে কিছু পার্টির ঝান্ডা নিয়ে পার্টির ব্যানার নিয়ে প্রোগ্রাম করছি বাধ্য হয়ে রাজ্যের নির্দেশে তাকে আমরা 6 বছরের জন্য সাসপেন্ড করেছি সেই সাসপেনশন লেটার তাকে আমরা পাঠিয়েও দিয়েছি। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जीत एडुकेशन ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, कोचिंग ऑफ कॉमर्स 11, 12 एंड बीकॉम, एडमिशन गोइंग ऑन। कॉन्टैक्ट 7685050010 और 9999667615। अगली खबर की ओर चलते हैं। आरामबाग शहर में स्थित यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की शाखा के नीचे आज अचानक आग लग गई। इस कारण पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। खबर पाकर दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस आग में निचले तल्ले पर स्थित एक निजी संस्था का कार्यालय जलकर खाक हो गया है। हालांकि दमकल विभाग की तत्परता के कारण बैंक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अगली खबर की ओर चलते हैं। उत्तरपाड़ा स्टेट जनरल अस्पताल के पास एक परित्यक्त तालाब से एक महिला का अर्धनग्न शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अस्पताल के पास ही मौजूद इस तालाब में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आज अस्पताल में भर्ती एक मरीज के परिजन ने महिला के शव को तालाब के किनारे देखा। इसके बाद बात इलाके में फैली। सूचना पाकर उत्तरपाड़ा थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और महिला के शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए श्रीरामपुर वास अस्पताल भेज दिया। अगली खबर की ओर चलते हैं। बैंडेल थर्मल पावर स्टेशन BTPS के सामने आज पश्चिम बंग विद्युत उन्नयन निगम संघ के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और BTPS के जनरल मैनेजर को एक ज्ञापन भी सौंपा। बताया जा रहा है कि इस ज्ञापन के माध्यम से BTPS में कार्यरत मजदूरों की समस्याओं को उठाया गया है। इसके अलावा BTPS में काम करने वाले चालकों की समस्याओं को भी उठाया गया है। साथ ही पश्चिम बंग विद्युत उन्नयन कर्मचारी संघ ने अपने लिए BTPS परिसर के अंदर एक कार्यालय की भी मांग की है। भाजपा नेता राजकुमारी केसरी ने विरोध प्रदर्शन के दौरान BTPS के GM को तृणमूल कांग्रेस का दलाल तक कह डाला। साथ ही उन्होंने GM पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। आज का कर्मसूची था, जन्मदिन से BTPS में गंडोगोल चल रहा है। TMC वाले TMC का जो दलाल GM है वो दलाली कर रहा है। हमारे जो BMS के जितने लड़के हैं उनको तंग कर रहा था और हम लोग का कॉपरेटिव बोर्ड है और बोर्ड को तोड़ने के लिए ये लोग TMC का गुंडा लोग हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर को उठा कर ले गया था धमकी दिखाया था कि तुम अगर BMS से TMC नहीं बनाओगे तो इसको हम लोग जीत एडुकेशन ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, कोचिंग ऑफ कॉमर्स 11, 12 एंड BCom, एडमिशन गोइंग ऑन। कॉन्टैक्ट 7685050010 और 9999667615।